दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खुश होंगे। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। हिमाचल प्रकोष्ठ द्वारा हिमाचली सम्मेलन का आयोजन किया गया, इससे संबंधित एक वीडियो ऑलरेडी मैंने पहले अपने चैनल पर पोस्ट किया था। मैं उम्मीद करता हूं वो वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। ये उसका अगला पार्ट है। मैंने आपसे पहले शेयर किया था कि हिमाचल प्रकोष्ठ द्वारा एक हिमाचली सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय जी, भाजपा के जम्मू कश्मीर के प्रभारी श्री आशीष सूद जी मुख्य अतिथि के तौर पर इस सम्मेलन में आमंत्रित थे। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं अपने माननीय आशीष जी से निवेदन करूंगा, जो जम्मू कश्मीर के प्रभारी हैं और चुनाव समिति के हमारे संयोजक हैं और विभिन्न पदों पर रहते हुए जिन्होंने जिनको किसी नाम की आवश्यकता नहीं है, अपने आप में बड़े भाई श्री आशीष सूद जी को निमंत्रित कर। मंच पर उपस्थित पवन वासुदेवा जी, अजय जी, संजीव राणा जी, संजय राणा जी, मीना जी, यशोदा जी, राकेश ठाकुर जी, मोहन सिंह जी, निखिल जी, ललित डोगरा जी और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष श्री सतीश उपाध्याय जी, उपस्थित दोस्तों, बहनों, भाताओं और बुजुर्गों, आज यहाँ आप सबकी उपस्थिति में यहाँ के सांस्कृतिक आयोजन को देखकर मुझे एक बहुत पुरानी घटना याद आ गई, मैं आपसे साझा करना चाहूंगा। एक समय था जब नड्डा जी दिल्ली में संगठन मंत्री थे विद्यार्थी परिषद के। पता नहीं आप में से कुछ लोगों को पता है या नहीं पता, यहाँ स्कूटर पर दिल्ली की गली गली में घूमते थे विद्यार्थियों को संगठित करते हुए। और महेंद्र पांडे जी जो अभी हमारे राष्ट्रीय कार्यालय में है, वो हिमाचल के संगठन मंत्री थे। और एक सज्जन है श्री अजय जम्वाल, आप में से कुछ लोग शायद जानते हो, अजय जम्वाल जी अभी वो भी हिमाचल से विद्यार्थी परिषद का काम करके निकले हैं और बीजेपी के विभिन्न दायित्वों पे होते हुए अभी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ऐसे राज्यों के क्षेत्रीय संगठन मंत्री के रूप में काम देख रहे हैं। तो हम सब एक संघ के कुछ बड़े अधिकारी भी थे, हम सब एक वर्ग से आ रहे थे, अभ्यास वर्ग से आ रहे थे, तो हमें जगह नहीं मिली, हमें जल्दी जाना था, तो हम बस की छत पे सफर कर रहे थे। तो बस की छत पे सफर करते हो, अजय जम्वाल जी बहुत अच्छा गाना गाते हैं, तो छत पे बैठे हुए हैं, पांच सात लोग हैं, सामान पड़ा हुआ है, खुले में शाम के समय सफर हो रहा है, तो टाइम काटने के अजय जम्वाल जी बहुत अच्छा गाना गाते हैं। तो अजय जम्वाल जी से गाना गावाया गया, वो कोई एक लोकगीत है, वो लाड़ी शांता ऐसे करके एक पुराना गाना है, तो वो गाना गाते हुए वो सफर कटा। तो आज आप सबको यहाँ देखकर मुझे वो घटना की याद आ गई, तो मुझे लगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आज जहाँ पहुंचे हैं, कैसे कैसे चरण से एक कार्यकर्ता कहाँ तक पहुंच सकता है, इसका भी एक उदाहरण है और हिमाचल की संस्कृति का भी जुड़ा हुआ विषय है, तो इसलिए मुझे लगा मैं आपसे उसे अवश्य साझा करूं। में रह रहे हैं उन लोगों को तो आदत हो गई होगी, मगर हिमाचल से अब भी जब आता होगा तो आपके पास इस मौसम में आके तो पॉल्यूशन के कारण वो भी बीमार हो जाता होगा, क्योंकि हिमाचल तो खुली खुली डुल्ली जगह है जी, सब अच्छा हरा भरा खुला मौसम है। मैं आप सबका यहाँ स्वागत करता हूं और आप सबसे एक अनुरोध करके अपनी बात को समाप्त करूंगा कि देखिए, आप सब किसी ना किसी रूप से या तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं या भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता इस हिमाचल प्रदेश के इस संगठन को चलाते हैं, उन सबके साथ मिलकर आप उन सबके साथ मिलकर आप
यहां भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करते हैं। देखिए आपने अपने यहां से तो इसका काम बांध दिया, अपने यहां से यानी हिमाचल से। ये जो अर्बन नक्सल लोग हैं ये हिमाचल में भी पहुंचे थे, फ्री की बिजली दे देंगे, फ्री का ये दे देंगे, फ्री का वो दे देंगे। मगर आपने पता नहीं क्या जादू जानते हो क्या, क्या आप लोगों के पास हिमाचल में जादू है। आपने ऐसा कर दिया कि 9 सितंबर के बाद केजरीवाल अब मसा मसा गया है, नहीं तो गया ही नहीं पूरे चुनाव में, जाना ही छोड़ दिया। और अब सबको पता है हिमाचल में आज वोट डल रहे हैं और अब आप लंबे समय से रह रहे हैं। आपकी संख्या में कुछ लोगों की कमी इसलिए भी हो गई होगी कि बहुत सारे लोगों को जिनके वोट है, जिनका अभी भी गांव में घर है, जो खेती काश्तकारी करते हैं, मैं समझता हूं वो वोट देने गए होंगे, जरूर गए होंगे वो। तो इसका यहां पर भी हिसाब बांधने का काम आप लोगों को अपने अपने क्षेत्र में करना है। ये अर्बन नक्सल अगर कॉरपोरेशन में भी आ गए ना जी, तो ये दिल्ली का जीना मुश्किल कर देंगे। नथिंग कम्स फ्री इन दिस वर्ल्ड, इस देश में कुछ भी मुफ्त नहीं, विश्व में कुछ मुफ्त नहीं मिलता। नीला थोथा समझते थे, नीला थोथा है बताओ, नीला थोथा मुफ्त से मिलता है? जब नीला थोथा मुफ्त में नहीं मिलता तो बाकी चीजें कैसे मुफ्त में मिल जाएंगी? नीला थोथा तो क्या होता, जवान पे रखा और गए। जब वो ही मुफ्त नहीं मिलता तो बाकी जीवन कैसे मुफ्त चल सकता है? मगर उन सब विषयों से अलग कोई देना चाहती है सरकार दे, मुझे कोई एतराज नहीं है, खूब करे, जिसको करना है करे। जनता का, जनता को मिल रहा है, जनता लेना चाहती है, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। मगर असली चीज गवर्नेंस की है, असली चीज डिलीवरी की है। क्या सरकारें जिस काम के लिए बनी है उस काम की डिलीवरी हो रही है? आप में से बहुत सारे लोग सरकारी अफसर, क्लास वन गजटेड अफसर रिटायर होंगे, बताओ कौन कौन रिटायर हुए जी, हाथ खड़ा करो। कौन से स्कूल में पढ़े थे जी आप है? अच्छा, उस समय तो गवर्नमेंट स्कूल में कई काफी पैसे लगते होंगे, कितने पैसे लगते थे? एक आना है, एक आना, एक आना लगता था। तो सरकारी स्कूल तो हमेशा से ही फ्री है जी, आदिकाल से। ये पता नहीं कौन से नया लाया मामा सरकारी स्कूल फ्री कराने को। तो गवर्नेंस की जरूरत है। हमारे देश के आज बड़े से बड़े अधिकारी सरकारी स्कूलों के पढ़े हुए हैं, जो इस प्रशासन को चलाते हैं। सरकारी स्कूल को हे की दृष्टि से देखना, जो ये कहते ना सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल के बराबर है। अच्छा बताओ आप में से कितने लोगों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं? है? ये 4-5 लोगों के ही थोड़ा मती भ्रष्ट है। प्राइवेट है, प्राइवेट है ना, मैंने वही तो पूछा। ये सरकारी वाला पूछ गया? नहीं नहीं, मैं भी चाहता हूँ कि प्राइवेट में कितने बच्चे, कितने लोगों में बच्चे पढ़ते हैं? हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो पूरा, जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। तो आप सबकी मती भ्रष्ट है जो अच्छे सरकारी स्कूलों को छोड़ के यहाँ पढ़ा रहे हो। ये गवर्नेंस का इशू है, ये गवर्नेंस का इशू है। हमारे स्कूल के, हमारे घर के नजदीक स्कूल हो, लास्ट माइल कनेक्टिविटी हो, हमारे पास अच्छा एटमॉस्फेयर हो। हम क्या चाहते हैं सरकार से? नल चलाए तो पानी मिल जाए, खटका दबाए तो बिजली आ जाए, घर से बाहर निकले तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा हो, वहां चले जाए। हमारे सिर पे खुजली है क्या जो अपनी गाड़ियां लेके जाते हैं? अगर मेट्रो से 2 काम करने के लिए जाना हो, सरकार अगर बढ़िया लास्ट माइल कनेक्टिविटी बना दे तो हमारे सर पे खुजली है जो 1000 रुपए का तेल खर्च के निकलेंगे। अगर सरकार वो सुविधाएं देने में हमें असफल है, और नगर निगम जो है बहुत साधारण साधारण सुविधाएं देता है, बहुत साधारण साधारण, तो अगर वो भी मिलने में इनकी इनकॉम्पिटेंस के कारण दिक्कत होगी, तो इसलिए ये बातें आपको जागरूकता से लोगों को समझानी है। पीते हो तो गारंटी थी पॉल्यूशन कम हो जाएगा, जमुना साफ हो जाएगी, अनऑथोराइज कॉलोनी में सड़कें बन जाएंगी, घरों में पानी मिलेगा। इनमें से कोई गारंटी पूरी नहीं हुई है। तो पब्लिक को जाकर आपसे मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, पब्लिक को जाकर आप लोग सब
इन गारंटी वारंटी के चक्कर में नहीं भैया, देखो अपने बीजेपी वाले हैं, अपने अपने अड़ोस पड़ोस के हर परिवार को, हर व्यक्ति अगर पांच पांच दस दस परिवारों को समझाकर वोट दलाने का काम करेगा तभी आपका यहाँ आना फायदेमंद होगा। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इतनी बड़ी तादाद में यहाँ लोगों को बुलाया और मुझे आपके बीच आकर कहने का मौका मिला। आपने अपने आशीर्वाद के रूप में मेरे सिर पर अपना हाथ रखा, मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। इस समारोह में आमंत्रित भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री सतीश उपाध्याय जी द्वारा हिमाचल प्रकोष्ठ के सभी सम्मानित सदस्यों का भी सम्मान किया गया। उन्होंने उन्हें गले में फड़का और टोपी पहनाकर सम्मानित किया। इसमें हमारी संस्था हिमाचल संयुक्त कल्याण समिति के कोषाध्यक्ष श्री राकेश ठाकुर जी भी सम्मिलित थे। राकेश ठाकुर जी वर्तमान में भारतीय अटल सेना दिल्ली प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार भी देख रहे हैं। इन्हीं के द्वारा मुझे इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया गया। श्री सतीश उपाध्याय जी वर्तमान में न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में चेयरमैन पद का कार्यभार देख रहे हैं। इन्होंने भी इस समारोह में अपने कुछ विचार रखे, तो आइए सुनते हैं सतीश उपाध्याय जी को। आज के इस कार्यक्रम में बहुत लंबा समय आपका नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि आपका सांस्कृतिक कार्यक्रम था और बाकी लोगों का संबोधन भी हुआ, आपने सब लोगों का स्वागत भी किया और एक शानदार बड़ी बैठक बड़ा कार्यक्रम आपने यहाँ पर किया है। श्री सतीश उपाध्याय जी द्वारा मंच पर हिमाचल प्रकोष्ठ से संबंधित कुछ बातें रखी, साथ ही साथ उन्होंने हमारे भारत वर्ष के बारे में भी कुछ चीजें आम जन को बताई। आज विश्व स्तर पर भारत की जो एक अच्छी छवि उभर कर आई है, उसके चलते उन्होंने प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का भी गुणगान किया। तो आइए सुनते हैं सतीश उपाध्याय जी के विचार। मेरे समय में जब मैं अध्यक्ष था तभी इन्होंने पार्टी ज्वाइन की थी। इनका भी स्वागत है। हमारी विशाखा सैलानी जो लगातार मेरे साथ पार्टी में भी थी और अभी एनडीएमसी में मेरे साथ सदस्य हैं, ये सभी लोग और आप यहाँ बैठे हिमाचल के कार्यकर्ता बंधु और भाइयों, मेरा आपसे ये कहना है कि ये वाला चुनाव आज का दिन हिमाचल के लिए वैसे ही बहुत महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है और आज हिमाचल में मतदान हो रहा है। ये हम सब के लिए और आप सब लोग भी ये प्रे कर रहे होंगे कि दोबारा से हिमाचल में इतिहास बनेगा, मोदी जी के नेतृत्व में इतिहास बनेगा कि जो हिमाचल में लगातार होता आया है इस बार नहीं होगा, इस बार डबल इंजन की सरकार दोबारा से हिमाचल में बनेगी और ये सब आपके सहयोग से ही होगा। एक बार मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जिस हिमाचल की भूमि से हम लोग आते हैं, ये वो पवित्र भूमि है, ये वो तपोभूमि है, ये वो आध्यात्म की भूमि है, ये बिल्कुल पूरी तरह से ऐसी भूमि जिसमें देवता स्वयं निवास करते हैं, सारी देवियां वहां पर निवास करती हैं, चिंतपूर्णी, ज्वाला जी, नैना देवी, आप नाम लेते जाइए और आपकी जो आस्था है वो इतनी ज्यादा है कि उसके कारण से ही, इन सब देवियों के कृपा के कारण से ही देश भी आगे चलता है, देश भी आगे बढ़ता है, उनकी कृपा हम पर रहती है। और इस हिमाचल से ही, इस देवभूमि हिमाचल से ही मैंने तो स्वयं जाकर के किए हैं, जहां उत्तराखंड में बाबा केदारनाथ बैठे हुए हैं, तो अगर किन्नर कैलाश के दर्शन करने हो तो वो हिमाचल से ही होते हैं और इसलिए ये ऐसी भूमि है जो आपका योगदान है बहुत बड़ा है। एक बार मेरे साथ थोड़ा बैठे बैठे भी थक गए होंगे, जिस मातृभूमि के लिए, इस देश की रक्षा के लिए, देश की अखंडता के लिए, हिमाचल की देवियां तो देश की रक्षा करती हैं, लेकिन हिमाचल के जो फौजी हैं, हिमाचल के गांव गांव से जो सिपाही हैं, हिमाचल के गांव गांव से जो हमारे फौज में लोग जाते हैं, वो देश की रक्षा करते हैं और इसलिए हिमाचल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार जोरदार नारा मेरे साथ सब लोग हाथ उठा करके, इस देश की भूमि के लिए जिसमें हमने जन्म लिया है हमको गर्व है, और गर्व इसलिए भी है कि देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से हमारी धार्मिक आस्थाओं को
लगातार जिस तरह से हमारे जो धार्मिक चिन्ह थे, चाहे वो केदारनाथ था, चाहे वो महाकाल है, चाहे वो जितने भी हमारे हिमाचल के स्थल हैं, इन सबको नई पहचान मिल रही है। एक बार भारत माता का नारा जरूर लगाइएगा, बोलिए भारत माता की जय। सारे लोग दोनों हाथ उठा करके लगाइएगा, यहां बैठे वाले भी लगाएं, बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। आज की ये बैठक हम सबके लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है, ये चुनाव हम सब लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हिमाचल से तो हमने भगा दिया, हिमाचल में तो हमने इस आम आदमी पार्टी को ठहरने नहीं दिया। मैं जानबूझ करके इस दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम नहीं लेता हूं कभी भी, क्योंकि मैं मानता हूं कि वो नाम लेने लायक है ही नहीं। और इसलिए हमको भी कभी अपनी बातचीत में किसी भ्रष्ट आदमी का हम नाम लेते हैं क्या? किसी बेईमान आदमी का हम नाम लेते हैं क्या? किसी धोखेबाज आदमी का हम नाम लेते हैं क्या? तो इसलिए अगर जो भ्रष्ट आदमी है, धोखेबाज है, दिल्ली को धोखा देने वाला है, बेईमान है, उस आदमी का नाम अपने मुंह पे लाने की जरूरत क्या है? और हिमाचल के लोग तो वैसे भी बड़े सच्चे और सरल होते हैं। मेरा घर भी हिमाचल में है, बड़ोक में मेरा एक घर है पिछले 20 साल से, और लगातार मेरा वहां जाना होता है। तो हिमाचल के लोग तो बहुत सरल होते हैं, सरल होते हैं, लेकिन हिमाचल के लोग जो देश विरोधी काम करते हैं, राष्ट्र विरोधी काम करते हैं, उनको वो अपने हिमाचल से उन्होंने निकाल कर भी फेंका है। और इस केजरीवाल ने जो चुनाव वहां लड़ रहा है, हिमाचल जैसे ये पहाड़ की खासियत है, उत्तरांचल में भी केजरीवाल गए थे, मुख्यमंत्री दिल्ली का होने के नाते 70 में से 68 सीटों पर जमानत जब्त हुई थी उनकी, और 2 सीटों पर जमानत बची थी, और ऐसा ही हाल आज हिमाचल में भी होगा। और इसलिए दिल्ली में लगभग 5-7 लाख लोग हिमाचल के रहते हैं, ज्यादा ही रहते होंगे। दिल्ली को बढ़ाने में, दिल्ली को खूबसूरत बनाने में, दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में, दिल्ली देश में अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में हिमाचल के लोगों का, वो जहां भी होंगे वो सकारात्मक योगदान ही देंगे, ये उनकी प्रवृत्ति में है। और इसलिए दिल्ली में जहां जहां जो आपकी पॉकेट्स हैं, बहुत सारी पॉकेट्स हैं जिनके बारे में मुझे बताया कि यहां यहां हिमाचल के लोग रहते हैं, जैसे मयूर विहार में है, करमपुरा में है, पश्चिमी दिल्ली में, रोहिणी में है, उत्तर पूर्वी दिल्ली में है, सर्विस क्लास यहां पर है, और हम सबके लिए तो बड़े सौभाग्य की बात है ही। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि विद्यार्थी परिषद काल में मुझे नड्डा जी के साथ दिल्ली में विद्यार्थी परिषद के काम करने का मौका मिला। इस विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, 18 करोड़ लोग जिस पार्टी में है, उसका नेतृत्व भी देश का हिमाचल ही कर रहा है। और इसलिए हिमाचल के जो अपना अगर पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, इस देश का नेतृत्व कर रहे हैं, तो क्या आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं बनती है? क्या आपकी जिम्मेवारी बनती है कि हिमाचल में जो लोग हैं, यहां रहने वाले जितने लोग हैं, आपके 14 जिलों के 14 संयोजक बने हुए हैं, ये कम बात नहीं है। एक बार जोरदार ताली अपने लोगों के लिए बजाइए। सबको संगठित रखना, सबको इकट्ठा रखना, पवन जी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, शर्मा जी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, और खास करके एक और बात की बधाई देना चाहता हूं, थोड़ी कम हो गई, हिमाचल की मातृशक्ति को भी बधाई देना चाहता हूं कि जितने पुरुष आते हैं उतने ही महिलाएं भी आती हैं और मातृशक्ति भी आती है। बराबर का हिमाचल के लोगों की भूमिका इन 250 सीटों में, जहां तक आपके प्रतिनिधित्व की बात है, आपने कहा पिछली बार हिमाचल के 2 लोग जनप्रतिनिधि के रूप में आए थे, और इस बार भी हिमाचल के लोगों ने अप्लाई जो अगर किया है, पार्टी एक सर्वे कराया है, और जो उचित कार्यकर्ता होगा, जो लोग डिजर्व करने वाले होंगे, हिमाचल के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। और इसलिए मेरा आपसे कहना है कि इस आने वाले चुनाव में हम सब लोग बहुत समय से यहां पर हैं, सबको अपने घर जाना होगा, और अब कोई भी बैठक प्रदेश में करने की आवश्यकता नहीं है। आप जो भी बैठक करें अपने स्थानीय लेवल पर वहीं पर करें, अपना अपनी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में करें, अपनी पार्किंग में करें, अपने पार्क में करें, जहां जाओ किसी भी हिमाचल वासी तक पार्टी का संपर्क अभियान नहीं छूटना चाहिए। हम जाकर के संपर्क अभियान करें, और इस चुनाव में एक बड़ी जीत
का शेरा हिमाचल के लोगों के सर पर बनना चाहिए। आपने मेरी बात को, खास करके पीछे जो लोग बैठे हैं जिनको जाने से मैंने रोका, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। मुझे लगा कि जरूर अपनी बात मैं आपसे कहूं। और एक बात लास्ट में ध्यान रखिएगा, भारतीय जनता पार्टी क्यों जरूरी है। मैं ये मानता हूं कि मोदी जी इस देश के लिए वरदान है, इस देश के लिए वरदान है। मैंने अपने जीवन काल में कभी नहीं सोचा था, मैंने कभी नहीं सोचा था, या हमने भी कभी नहीं सोचा होगा कि 400 साल लाखों लोगों ने अपनी शहीदी दी, सदाहत दी राम जन्मभूमि के लिए। 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में राम जन्मभूमि का निर्माण 2024 में होने जा रहा है, हमने कभी नहीं सोचा था। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हम सब सौभाग्यशाली हैं, हम स्वर्णिम काल के प्रत्यक्षदर्शी हैं। हमने कभी नहीं सोचा था कि देश आजाद हो गया। और हम बोलते थे बचपन से, दिल्ली हो या गुवाहाटी, जम्मू कश्मीर, सब एक ही जगह पर हैं। धारा 370 मोदी जी ही हटा सकते थे, ये मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव हुआ। ये ट्रिपल तलाक, क्या कभी सोचा था कि देश के प्रधानमंत्री जिस प्रकार से काशी विश्वनाथ के बाबा जी का जो पूरा काशी कॉरिडोर बना है, कभी किसी ने सोचा नहीं, कभी किसी ने देखा नहीं। हमारे जितने धार्मिक स्थल हैं, जितने हमारे सिख स्थल हैं, जितने हमारे देवी देवताओं के स्थल हैं, भारत में रह करके भारत के लोग इसकी चिंता नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और अगर हम चिंता करेंगे तो हम सांप्रदायिक हो जाएंगे। और इसलिए इस देश की एकता अखंडता के लिए आज विश्व में जिस प्रकार से मोदी जी का सम्मान है, मुझे लगता है कि जब भी विदेश में मोदी जी जाते हैं, किस प्रकार से, आखिरी बात कह रहा हूं मैं, लड़ाई होती है यूक्रेन और रशिया की, लड़ाई होती है यूक्रेन और रशिया की, वहां बच्चे फंसते हैं। भारत के झंडे की ताकत देखिए कि अगर किसी गाड़ी पर भारत का झंडा लगा हुआ है तो वो युद्ध क्षेत्र से ऐसे ही निकल जाता है, उसकी तरफ कोई आंख उठा करके नहीं देखता। और इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, पाकिस्तान के छात्र भारत का झंडा लगा करके गाड़ी पर उस युद्ध क्षेत्र से बाहर चले जाते। ये भारत की ताकत है। और इसलिए मोदी जी को और बीजेपी को मजबूत करना हमके लिए सबसे जरूरी है। टिकट मिले ना मिले, कोई कुछ करे या ना करे, मैंने ये संकल्प लिया है कि मोदी जी के नेतृत्व में पंचायत से लेकर के और लोकसभा तक इस देश को आगे नए नेतृत्व के साथ आगे बढ़ाना है। और इसलिए पुनः मैं आपका हृदय से बहुत आभार व्यक्त करता हूं। एक बार जोरदार तालियां मोदी जी के लिए जरूर बजा दीजिएगा, और सभी बजाएं तालियां जोरदार। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी जो सामाजिक संस्थाएं हैं, हिमाचल की संस्थाएं हैं, हमारे जिला, प्रदेश, मंडल, सभी के सहयोग से ये कार्यक्रम बहुत अच्छे से, अभी कार्यक्रम विधिवत रूप से जल्दी समाप्त होगा। एक बार अभी आप जाए ना, एक जो की श्रेया जी का अभिनंदन के लिए मैं आमंत्रित करूंगा मंच पे आए श्रेया जी।